नमस्कार दोस्तों, हिंदी वर्ड चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपको लोन नहीं मिल रहा है, बैंक वाले आपको लोन नहीं देते हैं, आपके फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं, तो आपको किस तरीके से लोन लेना है उसकी सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप स्वयं का कोई रोजगार खोलना चाहते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए किस तरीके से लोन लेना है वो पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, हमने कई वीडियो इसके ऊपर बनाए हैं कि आपको लोन कैसे लेना है, लेकिन अभी हमारे कई व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि लोन नहीं ले पा रहे हैं। वो बैंक में जाते हैं तो उन्हें मना कर दिया जाता है और उन्हें लोन नहीं मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप भी इसके बारे में सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आप मुद्रा लोन कैसे लेंगे, या फिर प्रधानमंत्री ने जितनी भी लोन की योजनाएं चलाई हैं उन लोन का आप कैसे लाभ उठाएंगे, तो दोस्तों इसके बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक का देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने लोन के लिए कई बार आवेदन किया है और कई बार आवेदन कर चुके हैं और आपका जो है आवेदन निरस्त कर दिया जाता है, या फिर अगर आप बैंक मैनेजर के पास जाते हो तो वो आपसे पैसे मांगते हैं, अगर आप पैसे नहीं देते हो तो वो आपको लोन प्रोवाइड नहीं कराते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे आना है और इस वेबसाइट पे आके आपको जो है कंप्लेंट करनी है, यानी कि अपनी एक कंप्लेंट दर्ज करनी है। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो आप इस वेबसाइट का URL देख लीजिए, इसका एड्रेस देख लीजिए और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो देखिए, इसका जो एड्रेस है वो है my.msme.gov.in। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आ जाते हो तो इस तरीके से इसका इंटरफेस है, ठीक है। यहाँ पे ये जो वेबसाइट है ये लघु उद्योग की वेबसाइट है और यहाँ पे जो है लघु उद्योग के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। तो यहीं से आपको जो है कंप्लेंट करना है। कंप्लेंट आप कैसे करेंगे वो हम बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है गिवरेंस, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए 11 नंबर का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है गिवरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना है, चाहे तो आप यहाँ पे कर सकते हैं या फिर यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। तो देखिये, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप क्या कर सकते हो। तो देखिये, जैसे आप इस पेज पे आते हैं तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए कितनी जो है यहाँ पे गिवरेंस है, कितनी यहाँ पे कंप्लेंट है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप इनके बारे में पढ़ सकते हो। सजेशन कितने हैं यहाँ पे आप वो देख सकते हो, कंप्लेंट कितनी है आप वो देख सकते हो, ठीक है। लेकिन चलिए, हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कंप्लेंट की, कि हम कंप्लेंट कैसे करेंगे अगर हमारे लिए लोन नहीं मिल रहा है और जो है हम लोन के पात्र भी हैं, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, और हम उसके पात्रता श्रेणी में भी आते हैं फिर भी हमें लोन नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ऊपर एक बटन दिया हुआ है, एक लिंक दी हुई है, रजिस्टर गिवरेंस, हमें इस पे क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। तो चलिए जल्दी से इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए यह फॉर्म खुल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले है कंप्लेंट, इसके बाद है यहाँ पे सजेशन, और इसके बाद देखिए यहाँ पे है ठीक है सीकिंग गाइडेंस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कंप्लेंट की, तो हम चुनेंगे यहाँ पे कंप्लेंट, कंप्लेंट पे यहाँ पे चेक मार्क लगाएंगे। इसके बाद देखिए टाइप ऑफ यूजर, ठीक है, आप यूजर का टाइप यहाँ पे आपको चुनना होगा, ठीक है। एसोसिएशन, यहाँ पे देखिए आप इनमें से कुछ नहीं आते हो, आप आते हो इंडिविजुअल, यानी कि आप एक खुद हो, आप स्वयं के लिए कर रहे हो, तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम इंडिविजुअल चुनेंगे। इंडिविजुअल चुनने के बाद यहाँ पे देखिए नेम ऑफ कंप्लेंट, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप अपनी यहाँ पे इंफॉर्मेशन भर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप नाम डाल दीजिए, यहाँ पे अपना स्टेट चुन लीजिए, आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे भर लीजिए, अपना यहाँ पे जिला चुन लीजिए, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, यहाँ पे अपना पिन कोड, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको ये सभी चीजें भरनी है क्योंकि सब पे जो है यहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है। चलिए भर लीजिए क्लिक करके यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे आ जाइए। इसके बाद देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको टाइप चुनना होगा, यानी कि आप किसके खिलाफ कंप्लेंट करना चाहते हैं, क्या आपका कंप्लेंट का मुद्दा है, ठीक है, किस लिए आप कंप्लेंट करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको कैटेगरी चुननी होगी। तो यहाँ पे आप बहुत सी कैटेगरी आपको मिल जाती है। तो हमें फिलहाल बात करनी है यहाँ पे लोन के बारे में, तो हम यहाँ पे लोन चुनेंगे, ठीक है। अगर आप किसी और के लिए आते हैं तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं, उद्योग आधार और भी यहाँ पे स्कीम वगैरह है, तो यहाँ पे आप उनके बारे में जान सकते हैं। आप GST के बारे में जानना चाहते हैं, GST के बारे में भी यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे लोन की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेटेड लोन, तो हम यहाँ को लोन को जो है सिलेक्ट करेंगे। लोन पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए हमें पूरी कंप्लेंट यहाँ पे लिखनी है, और जो हमें लिखनी है वो 5000 वर्ड तक हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि 5000 कैरेक्टर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है। लिखने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे,
कि अगर आप उसे कोई आपके पास कहीं पे लिखा हुआ है, कोई आपकी एप्लीकेशन बनी हुई है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसे यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं। अपलोड आपको कैसे करना है, सिंपल सा आपको अपने स्कैनर से, जो भी आपके पास स्कैनर हो उससे आप उस एप्लीकेशन को स्कैन कर लीजिए, और स्कैन करने के बाद यहाँ पे देखिए आप चॉइस यहाँ पे क्लिक करके उसे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि उसका साइज हो वो 1.5 MB से जो है छोटा होना चाहिए या फिर उतने का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसे अपलोड भी कर सकते हो। अपलोड करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वेरिफिकेशन कोड, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन कोड डालना है। अब आपको ये वेरिफिकेशन कोड कहाँ से मिलेगा, तो देखिए नीचे एक कोड दिया हुआ है, यही वेरिफिकेशन कोड है। तो यहाँ पे आपके दो अक्षर का कोई और कोड हो सकता है, तो यहाँ पे फिलहाल मेरे यहाँ एक्स जे है, तो हम यहाँ पे कैपिटल में एक्स और जे टाइप करेंगे और यहाँ पे सबमिट गिवरेंस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो यानी कि हमारी कंप्लेंट जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। इसके पहले देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो भी आप यहाँ पे कंप्लेंट टाइप करें वो कंप्लेंट आप बिल्कुल सही सही टाइप करें, उसमें पूरा इन्फॉर्मेशन एकदम सही दें कि जिससे आपसे कांटेक्ट हो सके या फिर जिसके बारे में आप कंप्लेंट करें तो उससे संपर्क हो सके। मान लीजिए आप किसी बैंक में गए थे और उसने आपको लोन देने से मना कर दिया, जबकि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट थे, तो आपको उस बैंक की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखनी है, उस बैंक का IFSC कोड लिखना है, उस बैंक का जो कोड होता है बैंक ब्रांच कोड, आपको ब्रांच कोड भी यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, उस बैंक का आपको जो भी मैनेजर था उसका यहाँ पे आपको नाम लिखना है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन बैंक का आपका सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखना है, और उसके बारे में लिखना है कि आप गए थे, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, फिर भी आपको जो है लोन नहीं दिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप उनकी कंप्लेंट कर सकते हो, और जैसे आप यहाँ पे कंप्लेंट करोगे तो आपको लोन में काफी मदद मिलेगी और आपको जल्द से जल्द बैंक से लोन दे दिया जाएगा, ठीक है। आप जैसे ही हमारी कंप्लेंट सक्सेसफुली हो जाती है, ठीक है, सबमिट हो जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम उसका स्टेटस भी पता कर सकते हैं। वो देखिए हमें कैसे पता करना है उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। अब देखिए अगर आप अपनी कंप्लेंट का स्टेटस जानना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको वापस से इसी वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे आपको व्यू स्टेटस पे क्लिक करना है, और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको जो आपको गिवरेंस का आपको नंबर दिया होगा वो नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा, और इसके बाद यहाँ पे ये वेरिफिकेशन कोड डालना होगा और आपको सबमिट कर देना होगा। जैसे आप सबमिट करोगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपके एप्लीकेशन पे क्या जो है काम चल रहा है, कहाँ तक प्रोसेस हुई है, सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको अभी तक लोन नहीं मिला है और बैंक वाले आपको परेशान कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी यहाँ पे कंप्लेंट कर दीजिए। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये हमारी जानकारी पसंद आई होगी, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और साथ ही साथ हमारे सिंधी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।